गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम में ये नंबर क्या होता है, जैसे हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये गिनती काउंटिंग नंबर होता है। तो ये नंबर जो होता है वह हम लोग उसको काउंटिंग दो प्रकार से करते हैं। एक होता है इंडियन सिस्टम और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो दोनों के काउंटिंग करने में कुछ अंतर होता है, कुछ डिफरेंस होता है। तो इंडियन सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग इसको वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से काउंटिंग करते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल सिस्टम्स होता है उसके काउंटिंग में कुछ अंतर होता है। इसमें क्या होता है कि हाँ, इंटरनेशनल सिस्टम होता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम में जो उसका चार्ट होता है वह इस प्रकार होता है। से वंस है, तो वंस के अंतर्गत इसमें वंस, टेंस और हंड्रेड होता है। उसके बाद थाउजेंड्स, थाउजेंड्स में होता है थाउजेंड्स, 10,000, 100,000। नेक्स्ट हो रहा है मिलियंस, इसमें भी होता है मिलियंस, 10 मिलियंस और 100 मिलियंस। तो इस प्रकार से हम लोग जब इसको राइट इन वर्ड्स में लिखने के लिए कहा जाएगा तो हम लोग जब इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे तो उसको इस चार्ट के आधार पर हम लोग लिखेंगे। और इंटरनेशनल का ये हुआ और ये जो है वह इंडियन सिस्टम हुआ। तो इंडियन सिस्टम में हम लोग जैसे इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, सिकोई, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से हम लोग उसको लिखते हैं। तो चलो अब हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज में किस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो अब हम लोग नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज पर आते हैं। तो राइट इन नंबर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इसको हम लोग नंबर एंड फिगर्स में लिखेंगे। वर्ड में दिया हुआ है 9,018। ठीक है, 9,018 18 है, 100 बीच में नहीं दिया हुआ है। तो जो नहीं दिया हुआ हो उसके बदले पर हम लोग जगह पर क्या लिखते हैं, 0। ये हो गया 9,018, 1, 10, 100, 1,000, 9,018, राइट। क्वेश्चन नंबर बी, 54,073, 54,000। और लास्ट में दिया है कैपिटल 73, यहां भी 100 दिया हुआ नहीं है। तो जो नहीं दिया हुआ उसकी जगह पर हम लोग 0 लिखेंगे। तो यहाँ 100 में 0 लिखिए और ये 73, 73।
ये कोमा लगाते हैं हम लोग, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड यानी 54,073। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सी, थ्री लाख टू थाउजेंड टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड सिक्स ठीक फाइव हंड्रेड सिक्स। तो सबसे आसान तरीका हम इधर से लिखना शुरू करते हैं, पहले देखते हैं ये कितना है, फाइव हंड्रेड सिक्स यहां लिखते हैं आंसर फाइव फाइव हंड्रेड सिक्स। टेंस दिया हुआ नहीं है, यहां पर क्या हो गया, जीरो हो गया, फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड सिक्स। अब यहां दिया है टू थाउजेंड, यहां हो गया ये टू थाउजेंड टू थाउजेंड यानी टेन थाउजेंड दिया हुआ नहीं है, तो यहां पर फिर हम जीरो लिखते हैं फिर कोमा, उसके बाद फिर कितना है थ्री लाख है ना, तो थ्री लाख यानी कह रहे हैं थ्री, ये हो गया वंस टेंस हंड्रेड फाइव हंड्रेड सिक्स ठीक थाउजेंड टेन थाउजेंड, ये दोनों कितना हो गया टू जीरो टू टू, तो ये हो गया टू थाउजेंड और थ्री लाख, ये लाख के स्थान पर आया थ्री, ये थ्री लाख हो गया यानी थ्री लाख टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्स। डी नंबर ट्वेंटी लाख ट्वेंटी लाख टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड एट चलो देखते हैं हम इसको किस प्रकार लिखते हैं, ट्वेंटी लाख टेन थाउजेंड एट यानी एट वंस में दिया हुआ, टेंस और हंड्रेड इसमें दिया हुआ नहीं है, तो इसमें हम लोग लास्ट जो डिजिट है वंस में उसको लिखते हैं यहां पर एट। अब ये डायरेक्ट थाउजेंड आ गया यानी इसमें टेंस और हंड्रेड नहीं दिया हुआ है, तो इसके बदले हम लोग जीरो लिखते हैं। अब यहां पर है टेन थाउजेंड, तो ये वंस टेंस हंड्रेड अब थाउजेंड फिर टेन थाउजेंड, तो थाउजेंड में जीरो तो ये हुआ टेन थाउजेंड, टेन थाउजेंड के बाद लाख, लाख में ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी लाख है, पहले लैक्स फिर टेन लैक्स यानी टू जीरो ट्वेंटी टू जीरो ट्वेंटी, तो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक्स टेन लैक्स ट्वेंटी लैक्स टेन थाउजेंड एट ठीक है। अब एक्सरसाइज वन एक का जो शेष भाग रहा रिमेन क्वेश्चन रहा हुआ दोनों का एल डब्ल्यू हो गया। अब क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स यानी वर्ड में इसको लिखना है, फिगर में दिया हुआ एक नंबर
फाइव वंस टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड सिक्सटी थ्री थाउजेंड एंड फाइव। तो इसे हम अब कैसे लिखेंगे, ये वंस टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड ये दोनों कितना हो गया सिक्सटी थ्री, हम लिखेंगे सिक्सटी थ्री, ये थाउजेंड बना रहा है, ये लिखेंगे थाउजेंड। देखो अब ये वंस में फाइव है, टेंस में जीरो और हंड्रेड में जीरो, इसलिए यहां पर हम कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे फाइव सिक्सटी थ्री थाउजेंड एंड फाइव फाइव। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दो में दूसरा है सेवन लाख सेवन थाउजेंड सेवेंटी फाइव, ठीक है, ये वंस टेंस हंड्रेड सेवेंटी फाइव थाउजेंड में है, थाउजेंड टेन थाउजेंड ये दोनों मिला के कितना हो रहा है सेवन, तो सेवन थाउजेंड हो गया। अब यहां लैक्स, लैक्स में कितना है सिर्फ सेवन है, तो ये सेवन लैक्स हो गया। अब इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, ये है सेवन सेवन लाख सेवन लाख सेवन थाउजेंड एंड सेवेंटी फाइव, ठीक है। इसी प्रकार की कोई समस्या, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से हम लोग इसको नंबर नेम्स, इसको नंबर नेम्स भी कर सकते हैं, राइट इन वर्ड्स, ये हम लोग इस तरह से लिखेंगे और जितने भी शीर्ष क्वेश्चन बन जाता है वह तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री, थ्री में दिया है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, तो एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म, ये हम लोग पहले भी क्लास फाइव में पढ़ चुके हैं और हम लोग इसको देखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। इसमें से वन नंबर है फिफ्टीन थाउजेंड सेवेंटी सेवन हंड्रेड सिक्सटी एट, ठीक है। तो इसको क्या करना है, एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड का मतलब होता है विस्तार करना, यानी इसको बड़ा है छोटा है इसको बड़ा करना है। तो बड़ा हम लोग कैसे करेंगे, तो यहां देखते हैं, ये है वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, ठीक है। तो इसे वन लिखते हैं, ये दो प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे ये है तो इसके बाद ये जितना नंबर है इधर वन से ये है, वन के बाद यह जितना है ये वन टू थ्री फोर, इसमें हम लोग फोर जीरो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, ये टेन थाउजेंड आता है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, ये टेन थाउजेंड हो गया, ये हम प्लस कर देंगे। अब यहाँ पर फाइव, फाइव के बाद कितना नंबर इधर शेष है वन टू थ्री है, इसमें हम लोग थ्री जीरो दे देंगे, ये प्लस दे देंगे। फिर यहाँ पर सेवन है, यहाँ सेवन लिखते हैं, इसके बाद टू डिजिट है तो यहाँ पर टू जीरो, फिर यहाँ लिखते हैं सिक्स, ये सिक्स, सिक्स के बाद कितना है वन डिजिट है, यहाँ वन जीरो देते हैं, फिर एट लिखते हैं और एट के बाद कोई नंबर नहीं है इसलिए
वह केटी लिखा है, ठीक है। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर वन दिया हुआ है, वन इंटू वन वन इंटू 10,000 कितना हो गया, 10,000 हो गया, प्लस या 5 इंटू ये 1000 रुपया है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 5000 हो गया, फिर ये 100 है, प्लस 7 इंटू 700 ये 60 है, तो प्लस 6 इंटू 10 60 हो गया। फिर हम देखते हैं 8 इंटू 8, तो इस तरह से हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में दो तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम दूसरा देखते हैं, थर्ड नंबर। ट्वेंटी फोर लाख 5,609 इसको भी लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो ये टू ये लिखते हैं टू, और इधर देखते हैं कितने डिजिट दिया हुआ है, उतना जीरो हम लोग उसमें लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस, दूसरा यहाँ 4 है, यहाँ 4 लिखते हैं, 4 के बाद कितना डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 प्लस, ये 0 है, 0 को हम लोग छोड़ देते हैं। अब ये लेते हैं 5, ये हो गया 5, 5 के बाद 1, 2, 3, 0 1, 2, 3, 6 6 के बाद है 2 डिजिट 2 0 फिर यहाँ 0 है, तो 0 को नहीं लिखते, 0 छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पर है 9 प्लस 9 के बाद कोई डिजिट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर उसके बाद हम लोग कोई 0 नहीं लिखे। इस तरह से हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, और इसी को अगर हम इस तरह सेकेंड जो इसका फॉर्म है उस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसमें भी क्या करना है, टू है, टू इंटू 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो गया 20 लाख हो गया। अब यहाँ 4 लाख है, 1, 10, 100, 1000, 10,000 lakhs इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 इंटू 1000 5000 हो गया। फिर यहाँ पर 600 दिया हुआ, तो 6 इंटू 100 प्लस 9 इंटू 1 तो इस तरह से ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन शेष बच जाता है उसको घर में अपने से इसी के अनुसार प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, राइट द करस्पॉन्डिंग नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये दिया हुआ है एक्सपेंडेड फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है
एक्सपेंडेड फॉर्म में, यानी ये इस फॉर्म में दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन नंबर फोर में इस फॉर्म में दे दिया है और हमको लिखना है इसमें, ठीक है। ये हम लोग अभी लिखे, ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म कर, और ये हो गया शॉर्ट फॉर्म, यानी जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो इस फॉर्म में दिया हुआ है, अब हम लोग इस तरह से लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में वन सिक्स इंटू 10,000 प्लस टू इंटू 1,000 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 8 into 10 प्लस 4 into 1, ठीक है। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ, हम लोग को इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना। तो ये 1, 10, 100, 1,000, 10,000 into 6, 60,000 हुआ, प्लस यहाँ पर 1,000 में, ये भी 1,000 में, 1, 10, 100, 1,000 into 2, 2,000, तो 60 और 2, तो 62,000। अब 100, तो ये 5 into 100, 500 लिखेंगे, 500, फिर 10, ये 10 दिया हुआ, तो 10 into 80 प्लस 4 into 1, 4, 84, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया 62,584। सेकेंड नंबर 5 into 1, 2, 3, 4, 5 प्लस 8 into 1, 2, 3, 4 प्लस 1,000 प्लस 6 into 100 प्लस 2 into 10 प्लस 3 into 1, ठीक है। ये क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर इसको हम लोग पहले काउंटिंग करते हैं, देखते हैं क्या है। 1, 10, 100, 1,000, 10,000, lakhs, यानी 5 into 1, 5 lakhs हो गया, 5 lakhs, ये लाख में, और ये 1, 10, 100, 1,000, 10,000, ये 10,000 है, यानी ये लैक्स में है, ये 1,000 में, ठीक है। तो ये इसको पहले हम लोग लिखते हैं 5, 1 जा 5, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5, 1, 10, 100, 1,000, 10,000 lakh, यानी ये 5 lakh हो गया, 5 lakhs। उसके बाद ये है कितना, ये भी है 1,000, ये 10,000, ठीक है। तो 1,000 और 10,000 दोनों मिला के एक साथ लिखते हैं, तो यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ 8, यानी 80
81,000 फिर 600 हो गया और 2 × 10 20 + 3 = 23 ये हो गया 5,81,623। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन बाकी है, ये क्वेश्चन इसी आधार पर आगे सॉल्व कर लेना है, ठीक है।